हेलो फ्रेंड्स इट्स इट्स सांझा एंड वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट मैमल्स ऑफ पाकिस्तान हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो वाइल्ड लाइफ है उसको हमने इंट्रोडक्शन जो है लास्ट वीडियो में स्टडी किया था हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का बेसिकली एरिया कैसा है और उसमें वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी प्रेजेंट है और वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है सो टूडे एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट मैमल्स ऑफ पाकिस्तान वो मैमल्स जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैमल्स वो इम्पोर्टेंट मैमल्स जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं तो चलिए जी आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले देते हैं कि पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैमल्स की लिस्ट में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मैमल कौन सा है तो मंकी इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट मैमल ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम तो इसको सिंपली जिसको बोलते हैं रिसिस मैको बोलते हैं या हम सिंपल कह सकते हैं मैकेका मुलाटा। ठीक हो गया उसके बाद अगर हम इसका लोकल नेम देखते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर क्या इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम डिस्कस करते हैं या बात करते हैं तो लोकल नेम भी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेके लोकल नेम दिए जाते हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में स्पेसिफिक एरिया के अंदर आसानी हो सके सो लोकल नेम जो है मांकी का वो होता है बंदर जो हम सिंपल उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं कि ये बंदर है और इंग्लिश में हम इसको मंकी कहते हैं ओके जी लेट मी टेल यू अबाउट इफ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मीन कि उसकी अपियरेंस कैसी है उसका साइज कितना होता है वो कितना वेट होगा उसका उसकी रिप्रोडक्शन की टाइप क्या है उसका सोशल सिस्टम कैसा है एंड वट एवर तो हम ये सब चीज़ें इसके डिस्क्रिप्शन में आज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि अपेयरेंस कि मंकी की आया अपेरेंस उसका आ, कैसी होती है कि वो दिखने में कैसा लगता है तो अगर हम मंकी को देखते हैं तो सबसे पहला जो आप उसमें चीज़ नोटिस करेंगे वो होता है उसका कलर तो मंकी का जो कलर है वो ब्राउन कलर का आपको नजर आएगा आप जैसे ही मंकी देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो ब्राउन कलर का है देन अडल्ट को अगर हम देखते हैं एक अडल्ट मंकी को हम जब देखते हैं तो उसके फेस का कलर और उसकी रंप का कलर जो है वो रेड कलर होता है चाहे इसके थ्रू आउट द बॉडी उसका फर का कलर ब्राउन है लेकिन उसकी फेस और उसका रंप रेड इन कलर होगा उसके बाद उसके अंडर पार्ट्स होते हैं वो लाइट ब्राउन इन कलर होते हैं देन बात करते हैं हम उसकी टेल के बारे में तो टेल की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो टेल की लेंथ मीडियम होती है उसके अलावा उसके जो हेड की टॉप होती है यानी कि इसका सर की बात कर ले तो उसके ऊपर छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं और लोकोमोशन की अगर बात करते हैं तो कॉड्रा पैडल होता है कॉड्रा मीन होता है फोर एंड पैडल मीन फीट ठीक है तो चार पाओ से जो है बंदर जो है वो लोकोमोशन करता है यानी कि मूवमेंट शो करता है चलता है वॉक करता है देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास साइज का कि मंकी का आया जो है एक एस्टिमेटेड साइज कितना होता है जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मली साइज़ जो है या वेट की बात करें तो वेट को अगर हम देखते हैं तो 5.6 से लेकर 10.9 पॉइंट तक जो मेल मंकी होते हैं उनका साइज होता है ऑन उनकी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं फीमेल के बारे में तो फीमेल मंकी और मेल मंकी का वेट बॉडी जो वेट होता है वो इक्वल नहीं होता बल्कि फीमेल का जो बॉडी वेट होता है वो 4 के से लेकर टेन पॉइंट नाइन के जी तक होता है इट्स मीन कि फीमेल मंकी जो होती है वो वेट में मेल मंकी से कम हो सकती है या फिर इक्वल भी हो सकती है ठीक हो गया ओके okay, जी थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसी होती है और कब वो कौन सा सीजन है जिसके अंदर मंकी के अंदर रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो मैक्सिम होता है या फिर आप सिंपली कह लें कि वो हाई होता है तो मेटिंग सीजन जो है मंकी के अंदर वो वेरिएबल होता है कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ इसी मंथ्स के अंदर जो है वो मंकी रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं मेटिंग करते हैं बल्कि क्या होता है कि ये वेरिएबल होता है कि, कि किसी भी मंकी के अंदर वो कभी भी मेटिंग कर सकते हैं लेकिन यूजली देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेटिंग सीजन है मैमल्स मैमल्स uh, में मंकी का तो वो मार्च से लेकर जून तक है ठीक है मार्च से जून जो है वो यूजली नोटिस किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर मंकी का रिप्रोडक्टिव रेट इसके अंदर हाई होता है या फिर मैक्सिमम होता है ओके okay, जी फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे सोशल सिस्टम के बारे में सोशल सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो इनका सोशल सिस्टम कैसा होता है कि मल्टी फीमेल मल्टी मेल सोशल स्ट्रक्चर होता है कि बहुत सारी फीमेल मंकी होंगी बहुत सारी मेल मंकी होंगी तो इनका कोई सोशल सिस्टम इस टाइप का होता है उसके बाद डाय होता है डाई आप एक स्पीशी को डाय तब बोलते हैं जब वो दिन में भी बाहर निकलती है और रात में भी निकलती है बायर ठीक है तो उनको बोलते हैं डाई उसके बाद मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं ठीक है कि टेरिस्ट्रियल एरियाज के अंदर ही ज़्यादातर रहते होते हैं मंकी ओके okay जी फिर हम बात करते हैं इनकी डिस्टर्बेंस को लेकर के, के इनकी टॉलरेंस रेट कितना होता है तो टॉलरेंट रेट जो है क्वाइट टॉलरेंट ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंस के आपने देखा होगा कि मरी के अंदर जब आप विजिट करते हैं या फिर कुछ ऐसे मरी के रिलेटेड एरियाज के अंदर तो मरी के आसपास वहाँ पर मंकीज का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है आप देखेंगे वहाँ पर मंकी जो है वो फ्रीली फ्रे होते हैं और कुछ जो से शरारती मंकी भी होते हैं जैसे कि वो लोगों को तंग करते हैं लेकिन अगर बात करते हैं कि मंकी का टॉलरेंट रेट क्या होता है तो जो हम लोग बंदरों को तंग करते हैं उनको भगाते हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ठीक है तो उनके अंदर टॉलरेंट रेट जो है वो क्वाइट होता है कि वो हम लोगों की इन हरकतों को हमारे डिस्टर्बेंस को वो बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ हद तक लेकिन ज्यादा हद तक वो बर्दाश्त नहीं करते फिर वही होता है जो कि अक्सर वंकी जो है वो लोगों के बाल खींच लेते हैं उनका खाना खींच लेते हैं जैसे कि आपने इंडिया में अक्सर देखा होगा इंडियन कि वहां पर कुछ बंदर जो है वो खाना भी खींच के चले जाते हैं ठीक हो गया ओके जी फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं बेटा डाइट के बारे में कि मंकी की डाइट क्या होती है कि मंकी का मंकी की खुराक होती क्या है तो सबसे पहले ये है कि ये फ्रूट खाते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक बड़े स्पेशल होते हैं इसलिए ये फ्रूट खाना पसंद करते हैं क्योंकि खुद ही दरख्तों से तोड़ लेते हैं बनाना बहुत खाते हैं ठीक है तो इस तरह का देन सीड्स भी ये इनटेक करते हैं लीव्स जो हैं ये भी खाते हैं कुछ ऐसे मंकी होंगे जो लीव्स भी खाते हैं कुछ ऐसे गम्स खा लेते हैं जो दरख्तों के साथ लगी होती है बर्ड्स उनकी खा लेते हैं ग्रास वगैरह भी कुछ खाते हैं कुछ क्लोव्स भी खाते हैं रूट्स जो हैं पौधों की वो भी खा जाते हैं और उसको स्मॉल इन्वर्टी ब्रेड होते हैं उनको भी ये इंटेक कर लेते हैं तो इट्स मीन कि मंकी की जो डाइट होती है वो वेरिएबल होती है कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है उसके बाद हम बात करते हैं इनके है हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि इनका हैबिटेट हैबिटाट भी आप बोल सकते हैं हैबिटेट भी बोल सकते हैं ठीक है तो इनका हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है तो हैबिटाट जो है जिसके अंदर ये रहते हैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो वैरायटी है मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट के अगर माउंटेन के रीजन में रीजन को देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं ठीक है ड्राई टेम्परेट रीजन में भी जो हमारे पास टेम्परेड फॉरेस्ट है और जो ड्राई टेम्परेट रीजन है उनके फॉरेस्ट में भी, भी प्रेजेंट होते हैं ये देखें जी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि मरी के अंदर स्वाद के अंदर ठीक है कागवान के अंदर इनको देखा गया वहां पे मैक्सिमम नंबर होता है चित्राल के अंदर भी है आजाद कश्मीर के अंदर भी मंकी प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा जो मरगाला हिल्स हैं वहां पर भी मंकी को देखा गया है ओके जी लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इनका स्टेटस इनका स्टेटस कैसा है तो स्टिल ये पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है इट्स मीन इनका नंबर अभी डिक्लाइन वगैरह नहीं है लेकिन क्योंकि लोग जो हैं क्या करते हैं इनको इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट मीन कि इनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि वो बंदरों को पकड़ते हैं उनको ट्रेन करते हैं और उनको फिर गली मोहल्लों में लेके जाते हैं और उनको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के आज यूज़ करते हैं तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनका नंबर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है ठीक है तो ये उनको एक थ्रेट भी आप कह लें सिंपली ठीक है ये इनको एक थ्रेट है हुमेन की तरफ से जिसकी वजह से इनका नंबर कभी डिक्लाइन कर सकता है सो दैट वॉज ऑल अबाउट मंकी के मंकी का पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको पूरी इसकी जो डिटेल बता दी है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट मैमल था पाकिस्तान का सेकंड बात करते हैं हम आज बियर के बारे में बियर एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा आपने देखा होगा मैमल है पाकिस्तान का ठीक है जिसका लोकल नेम अगर हम देखें तो बड़ा ही खूबसूरत जो है uh, भोरा रीच भी हम इसको बोलते हैं और भोरा भालू भी बोलते हैं उर्दू के अंदर सिंपली ठीक है तो आप सिंपली इसको भालू भी कहते होंगे uh, जब इसको देखते होंगे देन हम इसको यूरेशियन ब्राउन बियर भी कहते हैं इसका आप साइंटिफिक नेम कह लें ठीक है देन अब हम बात करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में कि इसकी डिस्क्रिप्टिव नोट क्या है तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी अपियरेंस के बारे में कि ये दिखने में कैसा है तो भाई आपने देखा होगा भालू को हो एक बड़ा सा एनिमल होता है जिसकी बॉडी का कलर आप देखें तो डार्क ब्राउन कलर होगा इसकी बॉडी के ऊपर जो है आपने कमर पे देखा होगा कि लंबे लंबे हेयर होते हैं लंबे लंबे बाल होते हैं और इसके शोल्डर के ऊपर जो है वाइट जो वो है वो टिप्ट हुई होती हैं वाइट बाल भी इसके अंदर नज़र आएंगे आपको और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके क्लास के बारे में तो वो ही बहुत बड़े बड़े क्लास आपको नज़र आएंगे तो ये इस तरह से कुछ आपको अपेयरेंस नज़र आती है भालू की या फिर आप सिंपली कह लें बियर की देन हम बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में कि इसका साइज़ कैसा होता है तो वो वेराइटी है डिपेंड करता है कि फूड के ऊपर कि वो भालू जो है वो बियर जो है वो कहाँ पे रहता है उसका लोकेशन कैसी है मतलब वो किस जगह का डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी फूड कैसी है सो मेल का अगर हम वेट देखते हैं नॉर्मली तो 135 से 390 नाइन्टी तक होता है इट्स मीन कि एक बियर का वेट बहुत ज़्यादा होता है देन अगर हम फीमेल बियर uh, का वेट देखते हैं तो 95 से 250 फिफ्टी होता है इट्स मीन कि फीमेल का वेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू मेल कम होता है ओके okay, जी थर्ड पॉइंट पर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इनका कि फीमेल uh, इनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है तो अगर हम बात करते हैं फीमेल के बारे में तो इनकी जो फीमेल बियर होती है जैसे ही वह मेच्योरिटी को रीच करती है ठीक है यानी कि जब वो साढ़े चार साल से लेके कर सात साल तक के दरमियान की होती है तो वो मेच्योर बियर होती है ठीक है और मेल भी जब सेम ही एज के होते हैं मेच्योर होते हैं जैसे ही तो वो मेटिंग कर सकते हैं और मेटिंग करते हैं और इसके बाद अगर हम मेटिंग सीजन देखते हैं इनका मेटिंग सीजन क्या है तो मेटिंग सीजन जो है इनका वो मई से लेके मिड जुलाई तक है मोस्टली ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता इनका मेटिंग सीजन ठीक है तो ये इनका मेटिंग जो है वो क्या है सीज़न है बट ये एक स्पेसिफिक नहीं होता है ये वेरी करता होता है लेकिन नोटिस जो है ज्यादातर इसी टाइम में किया गया है और उसके अलावा जो है मेटिंग तो ये मई से मिड जुलाई तक करते हैं बट अगर बात करते हैं फीमेल इम्प्लांटेशन की तो वो अक्टूबर से नवंबर के दरमियान जो है वो इम्प्लान्टशन होती है और उसके बाद जो यंग बियर बोर्न करता है जब वो पैदा होता है तो पैदा कब होगा जनवरी से मार्च के दरमियान तक वो पैदा हो जाएगा जिसका साइज वन टू फोर के होगा ठीक है वन टू फोर के जो है वो यंग बेबी जो है उनका यंग बोर्न बियर जो है वो पैदा होगा ठीक हो गया उसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्योंकि बियर के आपने साइज़ और वेट को देखा होगा इतने बड़े बड़े होते हैं तो इट्स मीन की इनकी डाइट भी बड़ी हैवी होती होगी तो चलें जी बात करते हैं इनकी डाइट के बारे में कि ऐसा क्या खाते हैं मेनली जो है बियर्स होते हैं वो वेजिटेटिव होते हैं ठीक है ग्रास वगैरह खाते हैं उसके बाद रूट्स जो है जड़े वगैरह बल्स ईटर होते हैं तो ये वेजिटेरियन आप सिंपली कह लें कि बियर ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं ज़्यादातर लेकिन मैंने सब सब बियर्स की बात ऐसी नहीं की है तो कुछ हमारे पास बियस ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स भी खाते हैं ठीक है फ़िश भी खा जाते हैं आंट्स खाते हैं चूंटियाँ वगैरह और छोटे छोटे जो मैमल्स होते हैं उनको भी ये खा जाया करते हैं तभी खा खा के इतने बड़े हो जाते हैं आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में इसका हैबिटेट के बारे में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुई है तो ज़्यादातर जो भालू होते हैं ये जो बियर होते हैं ये माउंटेन्स वगैरह को पहाड़ों को जंगलात को ठीक है और जो खुले खुले इलाके होते हैं और जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं वहां पर रहना पसंद करते हैं अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पाकिस्तान के अंदर बल्तिस्तान के अंदर ठीक है उसके बाद नांगा पर्वत हंजा वैली गिलगित के अंदर उसके बाद खंजराब नेशनल पार्क के अंदर भालू आपको नजर आएंगे बीर नजर आएंगे ठीक है ड्यूसाई प्लेटियो की देखेंगे ठीक है अगर आप कहते हैं के डिसाइ प्लेटियो जो है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है देखें आपको यहाँ पे मैसेज राइटिंग में नजर आ रही है मैसेज राइटिंग में लिखने का मकसद ये होता है कि आपको वो पॉइंट्स भूले ना ठीक है कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेमोराइज करने में टाइम लगता है तो उन वो भूले ना इसीलिए मैं उनको मैसेज राइटिंग में अपने लेक्चर के अंदर राइट करती हूँ ठीक है तो आपने देखा कि डिसाई प्लेटियो के अंदर जो है ये पाकिस्तान के अंदर बेसिकली बियर की एक जो आपकी लास्ट स्ट्रॉग होल्ड प्लेस है जहाँ पे ये रहते हैं ठीक है और उसके अलावा जो है ये जो ड्यूसाई प्लेटियो जो है ये सिर्फ़ एक एरिया नहीं है ये बल्कि एक नेशनल पार्क भी है अब ठीक हो गया दैन बात करते हैं लास्ट पे स्टेटस के बारे में कि पाकिस्तान में इसका स्टेटस क्या है बियर का तो पाकिस्तान के अंदर जो बियर हैं इनकी जो परसेंटेज किए हैं तो बहुत रेयर हो चुकी है ठीक है क्योंकि इनकी जो हंटिंग है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा की जा रही है विल्जर्स क्या करते हैं इनकी हंटिंग कर लेते हैं तो इसकी वजह से इनका नंबर जो है वो डिक्लाइन कह रहे हो रहा है ठीक है उसके बाद मेन थ्रेट जो है इनके सर्वाइवल को वो है आ, कलंदर से अब आप, आप पूछेंगे ये कलंदर्स कौन है तो कलंदर्स कौन होते हैं तो कलंदर्स कहते हैं कि जो आपने देखा होगा बियर बेटिंग या फिर जो बियर की डांसिंग करवाते हैं आ, मतलब बियर डांसिंग और बियर बेटिंग का मतलब होता है कि भालुओं को पकड़ते हैं ठीक है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बंदरों को लोग पकड़ के उनको सिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं कि भालुओं को लोग जब पकड़ के उनको ट्रेन करते हैं छोटे छोटे भालुओं को पकड़ लिए उनको ट्रेन करते हैं उनको डांसिंग करवाना सिखाते हैं तो डांसिंग के रिजल्ट में इस इसको हम नेम देते हैं बियर बेटिंग बोलते हैं या बियर डांसिंग बोलते हैं ठीक है तो इनको क्या करते हैं कि इनको पकड़ के रखते हैं ठीक है मदर को क्या करते हैं आप क्योंकि वैसे भालू बड़े चलाक होते हैं ये अपने बच्चों को देते नहीं हैं ठीक है थीके? तो इसलिए क्या करते हैं ये पहले विलेजर्स उनकी मदर को शूट कर देते हैं उसके बाद उसके बच्चा लेके वहाँ से भाग जाते हैं फिर उसको ट्रेन करते हैं और उसको बियर बेटिंग के लिए यूज करते हैं जो कि बहुत ही इलीगल काम है इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर इसका नंबर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है ठीक है तो आज हमने सिर्फ दो ही मेंबर्स को डिस्कस किया है क्योंकि वीडियो हो रही लॉन्ग तो इसलिए हम नेक्स्ट थ्री मेबर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़